हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसी में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ना है, और ये काम आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर भी आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा आरसी में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ऊपर जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप सेट कर देना है, और सर्च बॉक्स में टाइप करना है parivahan.gov.in और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यह देखिए ऑनलाइन सर्विसेज जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यह देखिए व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद यह 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है और 2 आइकॉन, तो दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट, अगर आप दिल्ली और सिक्किम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऊपर के आइकन में क्लिक कीजिए, और इन दोनों स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट में क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यह देखिए नया इंटरफेस दिखाई देगा इस तरह, और इंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें आपका नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो मैं अभी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने अभी मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे एंटर कर दिया, और आप प्रोसीड में क्लिक कीजिए। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ एक पॉपअप मैसेज आएगा आपके सामने, और अगर आपका नाम से मैच करता है ये तो आप प्रोसीड में क्लिक कीजिए, अगर नहीं मैच करता है तो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा चेक करके फिर से टाइप एंटर कीजिए और प्रोसीड में क्लिक कीजिए। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस इस तरह दिखाई देगा, और थोड़ा नीचे जाना है, और देखिए लास्ट में यह देखिए मोबाइल नंबर अपडेट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यह एक ऑप्शन दिखाई देगा इसी तरह अपडेट मोबाइल नंबर, यह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और चेसिस नंबर फुल, और यह देखिए इंजन नंबर, तो आपका आरसी कार्ड में आपका चेसिस नंबर और इंजन नंबर दोनों मिल जाएगा, तो इसे देख के आप एंटर कीजिए। तो चेसिस नंबर और इंजन नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ अभी। तो अभी हो गया चेसिस नंबर और इंजन नंबर एंटर करना, और अभी मैं शो डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। शो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो डिटेल्स से अभी निकला जाएगा, तो इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस सब कुछ दिखाई देगा। तो अभी क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर नहीं दिया है इसमें देखिए, तो इसमें नया मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो जो नंबर एंटर करेंगे उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी जाने के बाद इसे वेरीफाई करना है। तो अभी मैं मेरा नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो अभी हो गया मोबाइल नंबर एंटर करना, और जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अब देखिए ओटीपी हैज़ बीन जेनरेटेड एंड सेंड, और ओटीपी भी आ गया। तो अभी मैं ओटीपी एंटर कर रहा हूँ, तो अभी आ गया ओटीपी, और मैंने ओटीपी भी एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद अब यह जो दिखाई दे रहा है सेव डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ मैसेज आया मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप जब दोबारा इसे लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आपका जो नया मोबाइल नंबर एंटर किया है वो दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।